हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्रिकेट प्रिडिक्शन में। तो जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ओडीआई मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में, जो होगा कल सुबह 7 बजे हिमिल्टन में। तो जी हां, जैसे कि हम बता देना चाहते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, जो महिला का सीरीज लीग चल रहा है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था फाइनल मुकाबले के ऊपर, तो हद तक प्रिडिक्शन जो हमारी सही गई थी और जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही वो 80% तक। तो आपको अगर बिलीव नहीं तो पिछली वीडियो हमारी उठा करके देख सकते हैं, भले व्यू कम हो लेकिन प्रिडिक्शन हमारी सही रहती है। तो फटाफट से आप हमारे अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम देते हैं सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन प्रिडिक्शन, वो भी सबसे कम समय में। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर हम इन दो टीमों के बीच अगर हेड टू हेड 10 मैचों की अगर बात कर लेते हैं, तो जिसमें न्यूजीलैंड ने 6 मैच जीता है, इंडिया ने 4 मैच। बात साफ साफ है, न्यूजीलैंड 6 मैच जीत चुका है, इंडिया 4 मैच, यानी कि 2 मैच का बढ़त लेकर के न्यूजीलैंड चल रहा है, जैसा कि पिछला मुकाबला भी न्यूजीलैंड जीत गया। वहीं अगर पिछले मैच की बात करें तो टीम लाथम जो है आपको 145 रन बनाए थे 104 बॉल में, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। वहीं अगर हम पिछले मैच की और थोड़ी सी अगर बात करें तो पोलिंग रिजल्ट के हिसाब से अगर माने तो पोलिंग रिजल्ट जो है इंडिया का जीत की ओर दर्शा रही थी, क्योंकि इंडिया का विनिंग परसेंटेज 65 बता रही थी, वहीं न्यूजीलैंड का विनिंग परसेंटेज 35 बता रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, गेम पूरा उल्टा हुआ, न्यूजीलैंड जीती और इंडिया हारी। तो ये सब जो पोलिंग रिजल्ट वगैरह ये सब सब फेल हो गया था कल के मैच में, लेकिन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल का मैच में क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें थोड़ी सी पिछले मैच की, तो पिछला मैच में इंडिया ने 306 रन बनाया था 7 विकेट पर, जिसमें श्रेयस अय्यर 80 रन बनाए थे, शिखर धवन 72 रन। वहीं अगर न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड लॉकी फंक्शन ने 3 विकेट लिए थे, वहीं टीम सऊदी ने भी 3 विकेट लिए थे। थोड़ी सी और बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो जिसमें टॉम टीम लाथन ने 145 रन बनाया था, वहीं केम विलियमसन ने 94 रन बनाया था, और इंडिया की तरफ से उमरान मलिक ने 2 विकेट लिए और शार्दुल ठाकुर 1 विकेट लिए थे। अगर वही बात करें हम इन दो टीमों के 10 कंपेरिजन मैच की, तो जिसमें न्यूजीलैंड की विनिंग परसेंटेज 60 है, वहीं इंडिया की विनिंग परसेंटेज 80 है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो न्यूजीलैंड की एवरेज स्कोर 246 है, वहीं इंडिया की एवरेज स्कोर 242 है। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर 360 रन है न्यूजीलैंड का, वहीं हाईएस्ट स्कोर 112 रन है इंडिया का। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि इंडिया का ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें जो है न्यूजीलैंड का ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ जो है विनिंग परसेंटेज जो है इंडिया का ज़्यादा है, बाकी एवरेज स्कोर और हाईएस्ट स्कोर दोनों जो है न्यूजीलैंड का ज़्यादा है। वहीं अगर हम कल की पिच की अगर बात करें, हिमिल्टन की जो पिच रिपोर्ट है उसकी अगर थोड़ी सी बात करें, तो टेम्परेचर जो है 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि ठंड रहेगा। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो 93% है, यानी कि स्पिन बॉलर को काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। और जो चांसेस है रेन का, वो रेन का चांसेस 13% है, जो कि ना के बराबर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में यह देखने को मिल रहा है आपको कि ह्यूमिडिटी जो है 93% है, यानी कि स्पिन बॉलर को खास मदद मिल सकता है इस पिच पर। तो आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो स्पिन बॉलर के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये पिच जो है गीला है। वहीं अगर इस पिच पे अगर हम फर्स्ट बैटिंग विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 32 है, वहीं अगर सेकेंड बैटिंग विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 56 है। 50 मैचों का ये एवरेज जो है रेशियो दिखाया जा रहा है, जिसमें 32% जो है फर्स्ट बैटिंग करके जीत रहे, वहीं 56% जो है सेकेंड बैटिंग करके जीत रहे। इसमें साफ पता चल रहा है कि जो बंदा पीछे से चेस करता है वो जीत रहा है, क्योंकि पीछे से चेस करने के बाद जो पिच में नमी थी वो नमी बरकरार नहीं रह पाती है, ठीक है, उसके वजह से जो है बॉलरों की अच्छी खासी धुनाई हो जाती है और पीछे से चेस करके टीम जीता जा सकता है। वहीं अगर हम फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो 153 है, वहीं सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो 221 है। कल के मैच में भी आपको अगर पहले इंडिया बैटिंग करती तो वही लगभग 300 के आसपास आपको रन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 363 रन है 50 ओवर में। बॉलर सेक्शन की बात करें तो फास्ट बॉलर ने 70 विकेट लिए, वहीं स्पिन बॉलर 65 विकेट लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि पेस बॉलर जो है ज़्यादा ओवर फेंकते हैं, 50 ओवर का मैच में ज़्यादा ओवर पेस बॉलर फेंकते हैं तो 70 विकेट ले रहे, लेकिन वहीं अगर स्पिन बॉलर के देखा जाए तो स्पिन बॉलर जो है कम ओवर फेंकते हुए भी
65 विकेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि स्पिन बॉलर को पीछा मदद कर रही है। और आगे हम बात करते हैं अब इन दो टीमों की प्लेइंग 11 की। जैसा मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में इंडिया जो है कुछ चेंज कर नहीं सकती है, क्योंकि आपको युजवेंद्र चहल स्पिनर हैं, कल के मैच में युजवेंद्र चहल का जो है ज़रूरत है। हो सकता है अगर शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस करे इंडिया टीम किसी के साथ तो वो हो सकता है, एक बात बन सकता है, लेकिन ऐसा तो चांस नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि शार्दुल ठाकुर के साथ इंडिया टीम रिप्लेस कर सकती है किसी को, लेकिन देखते हैं कल का क्या हो सकता है। और बाकी जो प्लेइंग 11 है वो पिछले मैच के मुकाबले रहेगा, जैसे शुभमन गिल है, शिखर धवन है, ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, शमशंग है, सारा लगभग वही प्लेयर आपको रह सकते हैं। अगर वाशिंगटन सुंदर के जगह पे दीपक हुड्डा आपको नज़र आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की, तो न्यूजीलैंड जो है कोई भी प्लेइंग 11 अपना चेंज करके रिस्क नहीं उठाना चाहती, क्योंकि पिछला मैच उन्होंने अच्छा से जीत लिया था। यह मैच जो है 3 मैचों का ही सीरीज है, तो ज़्यादा चेंज जो है करना टीम पसंद नहीं करेगी, क्योंकि चेंज करने का मतलब कुछ रिस्क है। इनके सारे प्लेयर जो है फॉर्म में है और कोई प्लेयर इंजर्ड भी नहीं है, तो इस वजह से जो है इनका प्लेइंग 11 हमारे उम्मीद से सेम रहने वाला है। इसी तरह से हर सेकंड हर मिनट का अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कल के आपके होने वाले टॉपिक। तो चलिए हम आपको ड्रीम 11 टीम दे ही देते हैं सजेस्ट करके। तो जो है आपको डिस्प्ले पे हमारी ड्रीम 11 टीम जो है वो आपको शो हो रही है, तो जो ड्रीम 11 टीम है उसको आप देख लीजिए। अगर प्लेयर चेंज होते हैं तो आप उस हिसाब से अपना स्विच कर लीजिएगा प्लेयर में, और कुछ विशेष है नहीं। हम ये नहीं कहते कि 100% हमारी जो प्रिडिक्शन है सही जाती, लेकिन अगर देखा जाए तो 80% तक हमारी प्रिडिक्शन जो है सही जाती है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको बेस्ट प्रिडिक्शन देते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो।